फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल डेजीज व्लॉग। होली के बाद मैं कह रही हूँ, अगर उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा हाउ टू प्ले सेफ होली, तो उन्होंने जो उपाय मैंने बताए थे उन्होंने करे होंगे, तो उनका भी कलर हट ही गया होगा। आप सबको मेरा भी हट ही गया है, बट नेल्स का अभी भी हल्का हल्का लगा है, दिख रहा है, दिख नहीं रहा पर मेरे लगा है। तो दादी वृंदावन जा रही है, क्योंकि मतलब क्या है, हमारा जो वृंदावन है ना, वहाँ पे हमारा आश्रम है खुद का, तो वहाँ पे ना केस चल रहा है। मतलब कुछ लोगों ने कहा कि हमारा है आश्रम, तो ऐसे ऐसे केस चल रहा है, तो मतलब केस सॉल्व करके दादी जा रही है। चलो दादी से पूछते हैं कुछ क्वेश्चन। दादी, आपको कैसा लग रहा है वृंदावन जाके? बहुत बढ़िया लग रहा है वृंदावन जाके। एनीथिंग एल्स और बताओ? जाऊंगी कोर्ट में, जाऊंगी केस के तरीके, कल वहाँ देखते क्या होता है, फिर आश्रम में जाएंगे, अगर टाइम लगे तो बांके बिहारी के मंदिर भी जाएंगे, और फिर घर वापसी। घर वापसी, पता जो मैंने दूसरी पहली वीडियो बनाई थी ना कि दादी जा रही है वृंदावन, उसी दिन ना मंडे था, तो हम लोग ना मंडे बाजार गए थे, तो मतलब हॉपी रास्ते में दादी मिल गई हम, मैंने ऐसे हाथ पकड़े, मैंने कहा दादी अरे आप, दादी कह रहे अरे पियू तू यहाँ, मैंने मेरे को लगा कोई और है। आपको एक बात तो बताऊँ, कॉल की ना मतलब डेट शीट आ, मतलब मार्कशीट आ गई है इसके, 72% आए हैं। 47% आए हैं, नहीं 74% आए, अच्छे आए हैं उसके, मेरे पता नहीं करते आए। उसकी मैम कह रही थी, मतलब कोल की मैम कह रही थी कि इसको मतलब अगर आप इस पर और ध्यान दोगे ना, तो इसके ये नंबर 1 पे आ सकती है। मैंने कहा ठीक है भैया, अब मेरी तो अभी आई नहीं, मेरी 30 मार्च को आई। और बताए, अरे हाँ मैं चीज़ें बताना भूल गई, पता है आज आज ना हम लोग ना मतलब पार्क गए थे, आज पास में पार्क है ना, पार्क है, तो एक पेड़ था वहाँ पे ना, मतलब शहतूत कोई गांव में रहता है तो उसे पता होगा कुछ ये होता है मूलबेरी, हाँ शहतूत है। तो मतलब हमें ना ऐसे ही मैंने देखे, वो ने कहा अरे तो एक फ्रूट होता है, मैंने भी कहा चलो खाते हैं, पता है शहतूत है ना ये, बैठ गई, ये शहतूत है ना, दिखाती हूँ ये, आपने कभी खाया कमेंट में जरूर बता देना, या फिर देखा है खाया तो बता देना। आज ना मतलब मैंने ऐसे इसको ढूंढा, पता है ये बहुत यम्मी है, मीठा बहुत, दिखाती हूँ ये ऐसे मैंने पता नहीं कहाँ रखे, ये शहतूत है, वो बता रही थी ये जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, अभी तो बच्चे ही हैं। मैं बहुत सारे लाई थी ऐसे, मैं ऐसे बहुत सारे लाई थी, कुछ कच्चे भी लाई थी मैं और कुछ पके भी लाई थी, पता। और हाँ वो जो आपने देखा था ना एक पिजन का बच्चा देखा था आपने, कि मैंने बहुत पहले मतलब एक किसी वीडियो में डाला था, होली से पहले वाली वीडियो में डाला था मैंने कहीं, तो अभी ना मतलब वो है नहीं, मरा नहीं, गलत मैं सोचू, मतलब ना उसकी ना गर्दन बिल्कुल यू एकदम नीचे वो हो जा रही थी, तो ना हमें बहुत डर लगने लगा था। मैंने कहा एक तो देखो हमने इतनी सारी बर्ड्स पाल रखी हैं, आधे से ज़्यादा मरी हैं उनमें से, अब मैं ये नहीं चाहती ये मेरे सामने मरे। मैंने कहा बुआ इसको आपने डॉक्टर के पास भेज दो, हॉस्पिटल होता है ना पेट या फिर एनिमल हॉस्पिटल, डॉक्टर होते हैं जो मतलब पेट्स की देखभाल करते हैं, तो मतलब उनके यहाँ पे भिजवा दिया हमने। पता जब वो गया ना मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बट जब मैं मतलब आपने देखा था शिवांश के बर्थडे वाले उसमें, तो मेरा जो भाई था ना अर्णव व्लॉगर कह था, मेरे को अच्छा लगा, उसका भी चैनल है, उसका चैनल है अर्णव वर्ल्ड, मतलब उसका एक भाई है आपने देखा होगा, तो उसी का चैनल है कार कलेक्शन वाला, मैंने देखा उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ जाओ उस पर भी सपोर्ट दिखाओ। वो कहने लगा
हैप्पी हूँ हम दोनों का चैनल बन जाएगा, फिर हम दोनों ना एक दूसरे के ब्लॉग में आया करेंगे। मैं बोलूँगी हेलो गाइस ये मेरा भाई है ब्लॉगर है न्यू ब्लॉगर, मतलब ऐसे ऐसे हमारी बात हो रही। पता है यूट्यूब करियर जो होता है ना ये कोई नॉर्मल सा करियर नहीं होता, इस पर आप बहुत जल्दी पैसे नहीं कमा सकते। मतलब हाँ मैं मानती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स होंगे, जैसे ट्रेड इंसान ले लो, प्रगति वर्मा ले लो, फुकर इंसान ले लो, वर्ल्ड सब ले लो, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, 5-6 साल लगाए हैं। मैं खुद कह रही हूँ ये बहुत मेहनत करते होंगे, बट देखो मैं अभी एक तो मेरा क्या है, मैं मिडिल क्लास से हूँ, मेरे बाबा की पिछले साल ही डेथ हुई थी, तो मतलब अभी पापा बहुत अपसेट से रहते थे। फिर हमारे पास ना एक ही ऑप्शन था, या तो फिर हम यूट्यूब ज्वाइन करें या फिर मेरे को उसी टाइम गवर्नमेंट स्कूल में डाले, क्योंकि था क्या कि गवर्नमेंट में ना पैसे नहीं लगते, तो मतलब ये था ना कि अब बाबा तो थे नहीं हमारे, मतलब बाबा तो है नहीं हमारे, तो अब ना देखो नीचे दादी बुआ का खर्चा तो बाबा कर देते थे, पापा मेरा मम्मी का कोयल का कर देते थे, अब पापा को दादी बुआ का भी करना पड़ेगा क्योंकि बाबा तो है नहीं। दैट्स व्हाई पापा ने कहा तेरे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पहले तो यूट्यूब स्टार्ट करेंगे, फिर अगले साल, इस साल तो पढ़ ले 6th में, अगले साल ना हम तेरा गवर्नमेंट में करा देंगे। अब मतलब पापा मम्मी ट्राई कर रहे हैं कि मेरा गवर्नमेंट में होए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। पता है मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी शिवन्या, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार जिक्र किया है, मतलब वो इतनी अच्छी दोस्त है ना, मैं गारंटी से कह रही हूँ अगर आपकी दोस्त बनेगी ना वो, मैं मानती हूँ उसमें कुछ डिसेबिलिटीज़ वाली चीज़ें हैं, जैसे कि वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाती, हाइट बहुत कम है उसकी, ढंग से बोल नहीं पाती, पर फिर भी यार वो दिल की बहुत अच्छी है। फाइनल एग्ज़ाम से पहले ना मतलब क्या होता है हमें ना अलग अलग रूम में बिठा दिया जाता है, तो उसका रोल नंबर था 27, मेरा था 10, अब हम लोग को एकदम अलग अलग क्लासेस में बिठा दिया। पता क्या हुआ, उसने ना उससे मतलब फाइनल टर्म से पहले उसने ना मेरे को एक बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट दिया था, उसने कहा, मैंने कहा पागल है क्या, मेरे पास तो पैसे नहीं कि मैं उसे खरीद लूँ, उन्होंने कहा अरे गिफ्ट समझ के रख ले, अभी तो हमारे पेपर वेपर भी ख़त्म हो गए, अब तो मैं उससे मिल भी नहीं सकती। लास्ट डे पे मैं ना मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं उसे क्यों छोड़ के जा रही हूँ, किस मकसद से जा रही हूँ, मैं इतना बुरा कभी नहीं लगा मुझे। चलो तो बात आगे की, अब मेरे को कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है, और यूट्यूब कोई मतलब कोई वो नहीं है, मतलब कोई दीदी हाँ मैं आपके लिए मेरी तरफ से फूल, थैंक यू, वेलकम। पता है झूठ बोल रही मैं, देखो मतलब यूट्यूब मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपसे सब कुछ होंगे, ज़्यादातर लोग दुखी भी होते हैं। पता है मतलब मेरी क्लास में 2-3 लड़कियाँ हैं, वो थोड़ा मतलब कह भी रही थी कि यूट्यूब चैनल बनाया इसने, हो यूट्यूब ऐसे कैसे, मेरे को थोड़ा बुरा लगा कि भाई वो ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो मैंने मतलब बनाया है, मैंने काफ़ी कोशिश की है। पता है मेरा मकसद क्या था यूट्यूब चैनल से, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इससे पैसे कमाऊँ, मैं इसे ये करूँ, मैं इसे वो करूँ, बट मेरा मकसद ये था कि मेरी जो स्टोरी है, मेरी जो लाइफ स्टोरी है, मैं वो आप सब तक पहुँचाऊँ। मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, मेरी एक ही दो फ्रेंड्स है, बट तो मैं चाहती थी कि मैं आपसे जुड़ूँ, मैं आप लोगों की फ्रेंड बनूँ। तो चलो कॉल की डेट शीट देखते हैं आप, मतलब मार्कशीट बोलना भी नहीं आता, देखिए चुप। देखो इसके आए हैं मतलब मिड टर्म में तो आए थे इसके 64%, अब आए हैं इसके 72%। ज्यादा अच्छे नहीं किए तूने, पता है इस पे ना अभी ना मेरी लड़ाई हो गई थी, मतलब ये स्कूल से आ ही रही थी तो ना ये ना दो चीजें लाई थी मैंने, फिर कभी चीज मिली फिर दे देना मेरे को दे दी। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, तो मतलब ये दो चीजें लाई थी, एक चॉकलेट लाई थी और एक कुरकुरे का पैकेट लाई थी, इन्हें ना मैं कुछ भी कुरकुरे का ना ये टकाटक जो भी लाई थी ना कुरकुरे टकाटक एक ही होता है, तो फिर ना क्या हुआ हो गया, तो फिर क्या हुआ कि ना इन्हें मुझे इतना सा भी नहीं दिया, मैंने कहा चलो बिना मांगे दे देगी कि दीदी ले लो ले लो, इन्हें दिया ही नहीं, सारा खा गई।
अब मैं जब अपना लाई तो इसको लड़ने का मौका चाहिए कि बुआ बुआ जितना मेरे को दे नहीं रही है। अब फिर मैंने बुआ से कहा, बुआ देखो ये कोई बात थोड़ी होती है, इन्हें इतना सा भी नहीं दिया, ये तो वही वाली बात हो गई, मुझे सबसे सब चाहिए लेकिन मैं कुछ नहीं दूंगी, ये कौन सी बात है, फिर बताना। फिर मैंने चलो कन्विंस कर लिया कि हाँ चलो थोड़ा दे दूंगी। फिर दादी ने इसके लिए 10 रुपए का पूरा चिप्स का पैकेट ही ले आया। आपको कैसे पता चला? मेरे सामने ही आया था। ठीक है आप बताओ मैंने किसमें रखा? भगवान जाने किसमें रखा तूने, बस ये पता है कौन आया। तो फ्रेंड्स हमारी मस्ती तो चलती रहेगी, नहीं 9 बजे 10 बजने वाले। हाँ तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा मेरी वीडियोस का। सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दबा देना। ठीक है तब तक के लिए बाय।